स्वागत है। इस समय हम राजस्थान में मौजूद है विराट नगर से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ रत्ना कुमारी जी हैं। तो रत्ना जी, आप किस तरह से तैयार हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरह की आपकी तैयारी और जनता के बीच जाकर आपको क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? बन रही है ना कोई पानी की व्यवस्था है बेटियों के लिए, ना कॉलेजेस है, ना ढंग से कोई स्कूल्स है। तो मेरी यही प्राथमिकता थी जब मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा था कि मुझे ये सब समस्या का समाधान करना है, और ईश्वर की कृपा से 36 को मेरे साथ जुड़ चुकी है। इसमें सभी सब समाज मेरे साथ जुड़ चुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। तो क्योंकि महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, तो मेरा यही मुद्दा है कि महिलाओं के लिए छोटे छोटे रोजगार स्थापित करूं मैं, और यहाँ पे विराट नगर का एक पर्यटन स्थल बनाऊं ताकि युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, आप क्या मुद्दे वही है, सड़क, पानी, कॉलेज का और ये पर्यटन स्थल का स्थापित करने का, और इनका महिलाओं का रोजगार। तो जीत के लिए आप कितनी तैयार है, क्या लग रहा है जनता के बीच में, आप अपनी बात जनता के बीच जा रही हैं, आप अपनी बात जनता के बीच जनता की सामने ईश्वर की कृपा से महिला का घंटा प्रतिदिन मेरे के साथ समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब तो ये स्थिति है कि जिस भी गांव में मैं जा रही हूँ, जिस भी कस्बे में जा रही हूँ, महिला उमड़ के मेरा समर्थन कर रही है, और बेशक वो कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के, पूरा समर्थन मेरे को दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि रत्ना कुमारी जी का कहना था कि यहाँ की भलाई के लिए, रोजगार के लिए उन्हें यहाँ पर उतरना पड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी होकर लोगों के बीच आई और यहाँ पर महिलाओं का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है और वो जीत कर आएगी और यहाँ का विकास करेंगी। बस आगे यूं ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।